गाइस, तो मैं रमजान स्पेशल में आपके लाई हूँ चिकन फ्राइड राइस। ये बहुत ही जबरदस्त बनते हैं और बहुत ही चटपट बन जाते हैं और बहुत ही यम्मी होते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें ये चीजें चाहिए। 1 कप चिकन, 1/2 किलो बॉइल्ड राइस, 1/2 कप व्हाइट बन गोभी, 1/2 कप गाजर, 1/2 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप पर्पल बन गोभी, 3 हरी मिर्च और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी रेसिपी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है। 1/2 कप ऑयल, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और इसमें हम विनेगर और सोया सॉस भी शामिल करेंगे। पैन में ऑयल डालते हैं। इसे मैं अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। मिक्स करते जा रहे हैं हम। अब इसमें ये बॉइल्ड चिकन हम डालेंगे। टीस्पून सरका, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 काली मिर्च और 1/4 मसाला, नमक हस्बे जायका। अब इन सब को हम एक साथ मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ेंगे ताकि ये वेजिटेबल भी सॉफ्ट हो जाए और ढक्कन बंद कर लेंगे। इसमें हम चावल डालेंगे लेकिन चावल को हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। अब इसे हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे, जल्दी जल्दी मिक्स हो गए हैं। अब इसे डिश आउट करेंगे। मैंने फ्राइड राइस को डिश आउट कर लिया है। देखिए ना, जबरदस्त बने हैं मेरे फ्राइड राइस। देखिए कितने खुले खुले लग रहे हैं। ये देखिए, वाव, अमेजिंग, यम्मी, वाव। होप यू लाइक माय वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसे लगी और मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।